अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नए दिन की शुरुआत के साथ, एक नई वीडियो के साथ और एक खतरनाक वाली वीडियो के साथ हम आप लोगों से मिलते हैं और आप लोगों को का खुशामदीद करते हैं अपनी इस वीडियो में। तो अब तक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस तरह की वीडियो होने वाली है। आगे चलकर और भी ज़्यादा फनी, खतरनाक और मस्ती भरी है वीडियो, तो लास्ट तक बने रहना और उम्मीद करते हैं कि आप सबको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी सच में। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो के साथ और एंड में तो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार वीडियो है। और फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए एक सवाल भी होगा लास्ट में, तो देखते हैं कौन कौन उस सवाल का जवाब देता है, आंसर करता है उस क्वेश्चन का। तो लास्ट में सवाल भी देख ही लेना, क्वेश्चन देख लेना और अपना कीमती जवाब हमें ज़रूर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मेरे यहाँ के मुर्गे के बच्चे कितने ख़तरनाक होते हैं, तो बताओ ये मुर्गे कितने ख़तरनाक होंगे। अब जो तैयार हो चुके हैं और इस बच्चे को देखो, डरता है, सांप को उठाता है, फिर लेकर भागता है, फिर डरता है और अभी सांप शायद जिंदा है। फ्रेंड्स इस बच्चे की वीडियो कैप्चर करते हुए हमें डर लगता था और ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला बच्चा है। और अपनी फैमिली को जब ये बुला कर लेकर आता है ना, तो वहाँ पे तो एकदम बस ये लोग धमाल 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 ही डाल देते हैं और बस क्या बताऊँ। ये सांप है, कौन सा सांप है आप लोग बताइए, कौन सा सांप है? ये जहरीला वाला सांप है और जिसे गांव में कहते हैं, कोई चीतर कहता है, कोई देहाती भाषा में घुड़कराइच कहता है। फ्रेंड्स हम इस संबंध में कड़ी और जोड़ते चलते हैं कि इसका साइंटिफिक नाम लाइकोडान है अंग्रेजी में, जिसे लाइकोडान कहा जाता है। ये लाइकोडान कोलुब्रिड सांपों की एक प्रजाति है जिसे आमतौर पर भेड़िया सांप के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स जब हम इस सांप के बारे में गूगल पर सर्च करते हैं तो वहां पर कुछ और बताया जाता है और अपने यहाँ गांव में प्रचलित है, मतलब अम्मा नानी दादी अब्बा वगैरह सब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये एक सुस्त तरह का, मतलब जैसे कोबरा होता है, किंग कोबरा, उसके मुकाबले ये सुस्त होता है, ये जल्दी अटैक नहीं करता है इंसान के ऊपर और अगर अटैक करता है तो इसका काटा हुआ जहर पानी नहीं मांगता, मतलब वो इंसान बच नहीं सकता। वहीं इसके विपरीत फ्रेंड्स जब हम गूगल पे सर्च करते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि ये भेड़िया प्रजाति का सांप उल्फ स्नेक ये इंसान पे बहुत ही जल्दी अटैक करता है, ये बहुत ही गुस्सैला सांप है और इसके काटने से इंसान में कोई भी विषैला पदार्थ, मतलब जहर नहीं फैलता है, विष नहीं फैलता। फ्रेंड्स लेकिन हम वो बताएंगे आपको जो हमने आज तक देखा है। हमने देखा है कि सच में जैसा कि अम्मा लोग कहती हैं, सच यही है कि जब हम इसे मारने के लिए दौड़ते हैं, ये घर में दिखाई देती है तो ये छिपकर बैठ जाती है, किसी पर अटैक करने नहीं दौड़ती है। वहीं जो कोबरा होता है वो दौड़ता है अटैक करने, वो फुर्तीला होता है, उसे हमने देखा है, वो पल ही में गायब भी हो जाता है और ये छुपके बैठ जाती है शांति से, शांत स्वभाव की है। अभी हमने किसी को ये नहीं देखा कि मतलब इसके काटा हुआ कोई इंसान हमारे सामने अपने मालिक हकीकी से जा मिला हो, मैंने नहीं देखा ऐसा और हो सकता है। और अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये मुर्गियों की फौज आ गई है और अब इन सब का धमाल तो बस देखने ही लायक है। फ्रेंड्स हमने तो नहीं देखा कभी किसी को, लेकिन वैसे भी हम लोग गांव में रहते कहाँ हैं, हम तो बाहर रहते हैं, लेकिन अम्मा से जब हमने पूछा कि अम्मा क्या आपने कभी देखा है या सुना है किसी को कि मतलब उसकी जान चली गई हो, कि उसको इस उल्फ स्नेक ने काटा हो और वो मर गया हो, मतलब इस दुनिया से चला गया हो, तो अम्मा बताने लगे कि हाँ बहुत से ऐसे मामले हुए कि इंसान सोया हुआ है, ये वाले सांप, हाँ इस सर्दी के सीजन में
सर्दियों के सीजन में ये लोगों के बिस्तर में चली जाती हैं और वहां पर इंसान सोता रहता है और उसके हाथ में या गले में लिपटकर उस इंसान को डस लेती हैं और उसके हाथ में लपेटे रहती हैं। जब उनके घर वाले सुबह को उठकर देखते हैं तो इंसान मुर्दा हालत में मिलता है। बता रही हैं कि मतलब उनके गांव में, मेरी नानी के गांव में एक बच्चे के हाथ में ऐसे ही ये सांप लिपटा हुआ था और वो बच्चा मुर्दा पाया गया था अपने बिस्तर पे। और बता रही हैं कि ऐसे बहुत बहुत से मामले बताई अम्मा की, मतलब हाँ बहुत से लोग इस सांप के काटने से अपनी जान गवा बैठे। तो गूगल वूगल थोड़ा वो लोग साइंटिस्ट होते हैं, वो इतना देखते होते नहीं होंगे। अब ज़मीनी जो लोग बात करेंगे वही तो हम मानेंगे भैया, और होगा गूगल पे कुछ और वो लोग सर्च करते होंगे। और ये वाला सांप जो हम, मतलब ये जिस सांप को मुर्गियां लेकर दौड़ रही हैं, उस सांप के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि उसके काटने से जहर होता है। मतलब किसी के घर में अगर निकले तो उसे खेलने की कोशिश कभी भी मत करना और उससे दूर रहना। अगर उसे नहीं मारना है तो किसी डब्बे उब्बे में पैक करके फेंक देना, लेकिन उसे दूर रहना, उसे खेलने की कोशिश कभी भी कतई ना करना, गलती से भूल से मत करना, ख्वाब में भी मत सोचना। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना और सावधान रहना। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो फ्रेंड्स किस तरह से इसने इस सांप को एकदम फिनिश कर दिया। और अभी आप देखना कि मतलब इसके एक या दो महीने बाद जो रेड वाला बच्चा था जिसे सांप खाने के लिए नहीं मिला, वो एक सांप मालूम नहीं कहां से पकड़ कर लेकर आता है। अम्मा शोर मचाती कि मतलब बच्चा सांप लिए है, उसे जाकर मार दो नहीं तो काट लेगा, बच्चा मर जाएगा। हम लोग जाकर देखते हैं, फिर देखते ही देखते पलक झपकते ही वो उसे फिनिश कर जाता है। अभी देखना आप, अभी तो इसने कल्लू भटियारा मुन्ना ने का नाम है सबको सफा चट कर दिया है और फिर ढूंढ रहा है दूसरा। यही रेड वाला बच्चा है जो अगला सांप खा रहा है जब मतलब थोड़े और बड़े हो जाते हैं एक या दो महीने के बाद। और फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर ये बताना कि मतलब वीडियो के लास्ट में किस तरह का क्वेश्चन हो, मतलब वो इस्लामिक क्वेश्चन हो या नॉलेज वाला हो, कैसा क्वेश्चन हम आपसे करें। आज का क्वेश्चन तो नॉलेज वाला ही होगा। देखिए कितने हाई हैं, क्या कहने, माशाल्लाह। बस इतना ही फायदा होता है मुर्गियों से हमारा, बहुत काम की हैं।
माशाल्लाह। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मतलब सरसों का खेत एकदम साफ हो चुका है, लाही वाही कट चुकी है और ये बच्चा मालूम नहीं कहाँ से सांप लेकर आता है और देखिए किस तरह से उसे निगल रहा है, और जबकि ये सांप अभी जिंदा है। क्या बात है भाई, क्या बात है। फ्रेंड्स बस यही फायदा रहता है इन मुर्गियों से कि आसपास जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन सबको ये साफ कर देती हैं, या ये जो छोटे छोटे सांप होते हैं उनसे भी सेफ्टी हो ही जाती है हम लोगों की। और अगर बड़ा कोबरा उबरा आता है तो ये लोग शोर मचाती हैं, उन्हें देखकर भी इंसान या तो मार देता है, मारेगा ही इंसान और क्या करेगा, उनकी पूजा थोड़ी हम करेंगे भैया, सबको अपनी जान प्यारी होती है, जान है तो जहान है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज। तो जाते जाते फ्रेंड्स आप लोगों से सवाल है कि दुनिया में सांपों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत में जहरीले सांपों की कितनी प्रजातियां ज्ञात हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देना, हमें आपका इंतजार रहेगा।